नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बनने रेसिपी में। आप किसी भी रेसिपी को जितने बार अलग तरीके से बनाएंगे आपको उतनी बार अलग स्वाद आएगा। तो आप भी एक बार मेरे तरीके से सांभर जरूर ट्राई करें और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर करें। मैंने यहाँ पे एक कप अरहर की दाल को 2 से 3 घंटे पहले भिगो कर रखा था। आप देख सकते हैं अरहर की दाल जो है काफी ज्यादा फूल चुकी है। इसके साथ ही एक बार आप अगर उंगली से इस तरह से दबाकर देखें ना तो ये काफी ज्यादा सॉफ्ट हो गई है। 2 से 3 घंटे में जो है अरहर की दाल फूल जाती है, इससे दाल को पकने में आसानी हो जाती है, यानी दाल जो है थोड़ा जल्दी पककर रेडी हो जाती है। दाल को मैंने अच्छे से धो लिया था, तो अब हम यहाँ पे कुकर में दाल को डाल देंगे। 1 कप दाल में यहाँ पे 5 कप पानी का इस्तेमाल करेंगे। आप अगर मीडियम गाढ़ापन चाहते हैं तो फिर 1 कप पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जो है थोड़ा सा लिक्विड टाइप का बनाऊंगी। दाल में डालने के लिए मैंने यहाँ पे लिया थोड़ा सा सब्जी। सब्जी में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कद्दू ले लिया, कद्दूओं के छिलके से हमें ले लिए हैं। आप चाहे तो छिलके को हटा कर ले सकते हैं। 1/2 कप मटर, 1 छोटी साइज के बैंगन, 1 मीडियम साइज के आलू और यहाँ पे तोरई ले लिया है। जैसे आपके पास जो भी सब्जियां हो आप उसी का इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर जो नहीं है उसे आप स्किप कर सकते हैं। तो सारे सब्जियों को भी हम एक साथ में डाल देंगे। दाल में हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। मैंने यहाँ पे 1/2 चम्मच नमक का इस्तेमाल किया है। अब कुकर के ढक्कन को बंद करके 2 से 3 सीटी आने तक पका लेंगे। तो जी 3 सीटी आ चुकी है, गैस को ऑफ कर देंगे और प्रेशर कुकर की ढक्कन खोलने का इंतजार करेंगे, यानी प्रेशर जो है वो निकल जाने का इंतजार करेंगे। 1 बड़े चम्मच ऑयल ले लेंगे, 2 लाल सूखी मिर्च। मैं यहाँ पे थोड़ा सा सूखे कड़ी पत्ता का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप फ्रेश कड़ी पत्ता का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे धीमे गैस पर, गैस को तेज ना करें नहीं तो सारे मसाला जो है जल सकती है। कुछ सेकंड बाद में, लगभग 1/2 मिनट बाद में यहाँ पे डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच राई। राई और जीरे को धीमे गैस पर फिर से एक बार अच्छे से चटका लेंगे। 2 पिंच हींग, 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच सांभर मसाला, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। अब सारे सामग्री को यानी सारे मसाला को अच्छे से इस तरह फ्राई कर लेंगे। हमने यहाँ पे जिस सांभर को तैयार किया उसे डाल देंगे। सांभर को डालने के बाद में यहाँ पे इमली के रस ले लिया, इसे डाल देंगे। आप इमली के रस की जगह पे 1 नींबू का रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं खट्टाई के लिए। थोड़ा सा यहाँ पे कस्तूरी मेथी डालेंगे, आप कस्तूरी मेथी जगह पे हरा धनिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सारे सामग्री को अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं सांभर में जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से बॉयल आ चुकी है। इसको हमें इसी तरह के मीडियम टू लो के बीच में रखना है। तो जी सांभर में बॉयल आने के बाद में हमने सांभर को मीडियम टू लो गैस पर 2 से 4 मिनट के बीच में और पका लिया है। आप देख सकते हैं हमारा जो सांभर है बनकर बिल्कुल रेडी है। आप इस सांभर को रोटी, चावल या फिर इडली के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। आप भी इसे एक बार मित्र के साथ जरूर ट्राई करें और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर करें।